जी मीडिया के खास प्रोग्राम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र शर्मा। इस वक्त हम कुंभलगढ़ विधानसभा का सियासी मिजाज जानने के लिए आमेट में आए हुए हैं, जो कि कुंभलगढ़ विधानसभा के अंदर आती है और आमेट के उस बाजार में है, लक्ष्मी बाजार में, जिसमें 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपने अपने कपड़े और जो भी उनके ज़रूरतमंद सामान है वो यहाँ खरीदने आते हैं। तो यहाँ पर कुछ दुकान पर कुछ प्रबुद्ध जन लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी उनका सियासी मजाज जानना चाहेंगे कि वह क्या चाहते हैं, क्या समस्या फेस कर रहे हैं, आगे किस मुद्दे पर वह वोट करेंगे। सर, अभी इस विधानसभा में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। हाँ जी। और क्या समस्या फेस कर रहे हैं? बस और तो क्या है, हमारा तो बस बीजेपी का है, बीजेपी को वोट करना है बस। और किस उम्मीद पे आगे आप वोट करेंगे? बस उम्मीद ही, महीने बाद उम्मीद यही है बस, हमारे तो बस मोदी जी है, बस बस मोदी जी के हित में वोट करेंगे बस। अभी पानी की समस्या मैंने, पानी की समस्या तो मैंने, वो तो फिर वो आएगा तो देखा जाएगा, सब वो ही करेगा, कहने वाला आगे आने वाला समय में सब अच्छा ही होगा। ठीक है, अभी और भी मौजूद है हमारे साथ, सहयोग करूंगा, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या समस्या फेस कर रहे हैं अभी आप आमेट के अंदर, और आगे किस मुद्दे पर वोट? जी आमेट के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो है पानी की जी। बहुत समय से पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं लोग बाग, और पानी की बहुत जटिल समस्या है, ये हमारी समस्या हल होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा बराबर नहीं है, न कोई यहाँ अच्छा डॉक्टर आता है, और आता है तो उसका फटाफट ट्रांसफ़र हो जाता है। वर्षों से इस चिकित्सा के हिसाब से बहुत दुखी है लोग, सबको बाहर जाना पड़ता है। मतलब पानी के साथ साथ एक ये नया मुद्दा भी है कि चिकित्सा में भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी जी जी। मतलब किस तरीके की परेशानी उठानी पड़े? परेशानी से डॉक्टर सही नहीं मिलते हैं, इलाज सही नहीं होता है, और जाते हैं वहाँ तो रेफर करते हैं, जाओ राजनगर जाओ, उदयपुर जाओ, ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? आगे सबसे बस हमारे दो मुद्दे खास है, बाकी तो ठीक है, यहाँ नगर पालिका सारी व्यवस्था है, बाकी तो दो ही समस्या खास है। वर्तमान जो विधायक है वो आप लोगों के बीच में आते हैं नहीं आते? हाँ, वर्तमान देखो हम पार्टी के पीछे हैं, हम तो हमारा बिली किसी को भी खड़े करेंगे, हम पार्टी को वोट देंगे। मतलब विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? विकास तो खैर मोदी का एक ही उद्देश्य है कि भाई विकास तो होना ही है, अच्छी बात है। और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या उनकी समस्या है, क्या आगे हुए, किस उम्मीद पे वोट करेंगे? सर, किस उम्मीद पे? हम तो यही वोट पार्टी के वोट पार्टी में देंगे, हमारा सबसे प्लस मुद्दा यही है, शिक्षा चिकित्सा और पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और बाकी जो है आगे का जो भी भविष्य होगा अच्छी होगा। मतलब पानी कितने दिन में आपको यहाँ मिल रहा है पीने का, थोड़ा विस्तार से बताएं? पाँच सात दिन में एक बार आते हैं, अभी तो थोड़ा सा वो विपर जो आने से कुछ हल हुआ है पानी का, बाकी ये कंडीशन थी 15 दिन पानी की प्रॉब्लम थी। मतलब अभी भी ये स्थिति है कि 15 दिन में एक बार पानी? अभी पाँच दिन में आ रहे हैं पानी, अभी तो कोई दरार पे उतरा नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा पानी का है, बाकी तो हम पार्टी के हैं तो पार्टी को ही वोट देना है, और आगे का काम अच्छा होगा, हम यही आशा करते हैं। अब तक मतलब पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक कोई पानी का। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या उनकी समस्या रहती है और किस उम्मीद पे वो वोट करेंगे। सर, किस उम्मीद पे आगे आप वोट करेंगे? कुछ ही महीनों बाद में चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होगी, और क्या समस्या फेस करेंगे? उम्मीद तो ये है कि सर हम तो विकास के ऊपर तो यही है, तो विकास की मांग यहाँ सबसे बड़ी मांग है, विकास में से बिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और सबसे बड़ी समस्या जैसे इन भाई लोगों ने बताई है, इसके अलावा भी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यातायात की है, यातायात से ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इससे यातायात के कारण ही यहाँ बिजनेस दबा हुआ है, और हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो भी सरकार आए हमारे यहाँ यातायात की समस्या को हल करें। यातायात की समस्या जैसे कि यहाँ बस नहीं मिलना प्रॉपर, या क्या, पूरा थोड़ा डिटेल से? बस की व्यवस्था पूरी नहीं है यहाँ से, कनेक्टिविटी ना तो डायरेक्ट उदयपुर की बहुत कम है, भीलवाड़ा की नहीं है, चित्तौड़ की बिल्कुल है ही नहीं है, जोधपुर की नहीं है, हम गए जहाँ से जो बसें चल रही थी वो बसें भी बंद हो चुकी हैं, वो भी बंद हो चुकी हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हमारे और हमारा सौतेलापन। वैसे अभी विधायक हमारे MLA के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सरकार कांग्रेस की है, तो सौतेला व्यवहार भी रहा है इन 5 सालों में, बहुत ज़्यादा रहा, हम इसका भी मतलब जिसका खामियाजा हम जनता भुगत रही है। और मतलब पानी का जैसे ये मुद्दा है आपका, बहुत विकट मुद्दा है 15 दिन में पानी मिलना, तो इसको किस तरीके से हल करने का प्रयास आप करवाएंगे?
ये सर अभी एक नई योजना बनी है सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक योजना बनाई है, अगर वो धरातल पर उतरती है तो समस्या हल हो जाएगी। तो जाखम बांध वाली जो समस्या है पानी के लाने का है, अगर वो समस्या हल हो जाएगी तो बखूबी हमारे मतलब पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और पानी से हम निजात पा लेंगे। तो अभी और भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या समस्या अभी फेस कर रहे हैं। सर अभी क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं? सर समस्या तो अपने वो पानी की और रेल की भी है, वैसे रेल भी हमारे यहाँ चल रही थी वो भी बंद हो गई है, और भाई साहब बोल रहे थे वो ट्रेन की बस की पानी की ये सब अपने चिकित्सा की ये सब तो लगभग 5-10 साल चल ही रही है, बिछड़ा हुआ है हमारा अमेर शहर। विधायक हमारे यहाँ के है, सब कंप्लीट है, लेकिन अभी वो पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है। सर आगे क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा सर हम जो भी आते हैं बोले पानी की व्यवस्था हम करेंगे, वोट दो देकर चले सर, वापिस आते नहीं 5 साल तक। अभी वापिस इलेक्शन हो रहे थे, अभी सब दौड़ दौड़ के आएंगे इधर कि भाई हमको वोट दो। हमारी समस्या उनको पता है कि पानी नहीं है यहाँ पे, ट्रेन नहीं है, बसें की सुविधा से बराबर सुविधा नहीं है, तो सब जानते हैं। एक रोजगार भी एक मुद्दा है, रोजगार यहाँ क्या है? रोजगार तो हमारा यहाँ पे ठप हो गया साहब, ये सबसे पहले आमेर मंडी लगती थी, इससे कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया से आदमी खरीदी करने आते थे यहाँ पे, वो सब खत्म हो गया, नहीं तो कोई आदमी आता नहीं, सुविधा नहीं है ना मेन, तो सुविधा हो तो आदमी आते हैं, सुविधा सब खत्म हो चुकी है। तो बिल्कुल ये कुंभलगढ़ विधानसभा का सियासी मिजाज जाना है आमेट के अंदर, लक्ष्मी बाजार के अंदर, यहाँ पर लोगों ने बताया है कि पानी एक मुख्य समस्या है जो कि 15 दिन में इनको यहाँ मिलता है। वहीं इसके साथ चिकित्सा का भी एक मुद्दा बताया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अच्छे डॉक्टर इनको यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, जो आते हैं डॉक्टर उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी हम कुंभलगढ़ विधानसभा का सियासी मिजाज जानने के लिए कुंभलगढ़ विधानसभा के आमेट के अंदर आए हुए हैं, जहाँ पर इनके लोगों से इस विधानसभा का सियासी मिजाज जानना चाहेंगे, क्या अभी इनको समस्या फेस कर रहे हैं और आगे किस मुद्दे पर ये वोट करेंगे। सर अभी क्या समस्या आ रही है इस विधानसभा? अभी इस विधानसभा में क्या अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं संभली जी, महंगाई हर तौर पे आगे बढ़ रही है, महंगाई कोई घट नहीं रही, और पानी वगैरह की हर समस्या इधर में है ही है जी, बाकी अर्थव्यवस्था नहीं संभली, बाकी सब ठीक है, आगे अभी क्या करेंगे नेताजी, अब वो नेताजी जानते हैं आगे क्या करेंगे। आगे किस मुद्दे पे आप वोटिंग करना चाहेंगे? कुछ महीने बाद वोटिंग प्रक्रिया भी होगी, वोटिंग होगी जब पता चलेगा किस मुद्दे पे वोटिंग करें। कोई तो नेता क्या चाहिए अब, वो क्या चाहिए वो, क्या भाई कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या भाई कि अब तुम्हारे लिए हम ये कुछ कर सकते हैं, तो फिर वोटिंग करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कोई तो मुद्दा होगा कि उस मुद्दे विकास का मुद्दा मेरा रहेगा, तो क्या होगा पहले, तो पहला क्यों, क्या भाई अर्थव्यवस्था नहीं संभली, आज महंगाई कमर तोड़ रही है आम आदमी की, कहने का मतलब हर हिसाब से। और भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, बाबा क्या समस्या आ रही है अभी इस विधानसभा में, थोड़ा दर्शकों को बताइए। तो हमारे क्षेत्र आमेट राजसमंद जिला, ये विकास की कमी है और महंगाई बहुत है, इसलिए परेशान है, पानी की सुविधा नहीं है, ये परेशान। अब मुद्दा क्या रहेगा आगे वोट करने का, किस मुद्दे पे आप वोट करोगे? हम तो नरेंद्र मोदी को चाहेंगे। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या उनको समस्या पेश कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सर अभी इस विधानसभा में आपको क्या समस्या आ रही है, कुछ समस्या आ रही है बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, इसमें ऐसी समस्या है कि हमारे आमेर नगर पालिका का चेयरमैन है वो बिल्कुल काम का नहीं है, पूरी जगह हमारे गाँव की पूरी बेच चुका है वो, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ चेयरमैन का कांग्रेस का ये पहला बोर्ड बना, इस पहले बोर्ड में कांग्रेस का कुछ भी भला नहीं हुआ है, चाहे पूरा आमेर को पूछ सकते हो। नहीं वोट करोगे आप किस मुद्दे पे आगे वोट करोगे, क्या चाहते हो? हम विकास के मुद्दे पे आएंगे कि आमेर वालों के साथ में कौन क्या किया है, आमेर में जो विकास करेगा पूरा अमेट उसके साथ रहेगा। बाकी अभी हम ये चेयरमैन से परेशान है, गलत आदमी को हमने चुन लिया,
उसका खामियाजा पूरा हमें भुगत रहा है और अभी जो भी आएगा हम इसी मुद्दे पे जाएंगे कि कोई अपना काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो बिल्कुल ये थे अमेठ के लोग, यहाँ पर महिलाएं भी हैं तो महिलाओं से भी पूछेंगे उनकी क्या समस्या है, आगे किस मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी क्या समस्या आपको इस विधानसभा के अंदर लग रही है? हमारे में महंगारत बहुत हो गई है। महंगारत बहुत हो गई है और महंगारत का कोई हल होना चाहिए। हमारे घर के पास जो नाले वगैरह है उसमें सब खड्डे पड़े हुए, मकान में पानी जा रहा है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब ठीक करवाए और अब मजदूर आदमी है, आगे कोई व्यवस्था कराओ हमारी, ये हमारी समस्या है। मुद्दा तो जो हमारे को आगे बढ़ाएगा उसको भी हम वोट देंगे। तो ये थे कुंभलगढ़ विधानसभा के सियासी मिजाज जाने हैं, उसमें आमेट के अंदर आके आमेट के लोगों ने कहा है कि हमें विकास चाहिए, विकास के मुद्दे पर ये लोग आगे वोट करेंगे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कुंभलगढ़ विधानसभा के अंदर, जहां पर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सियासी मिजाज जानेंगे, क्या उन अभी इस समय क्या वो समस्याएं फेस कर रहे हैं और आगे वो किस उम्मीद पे अपना आगे का वोट करेंगे। सर अभी आप इस कुंभलगढ़ विधानसभा में क्या समस्याएं फेस कर रही है, ज़्यादा क्या अब तक क्या समस्याएं झेल चुके? विगत टू टाइम्स है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने विकास के नाम से बिल्कुल जीरो जी। मतलब ना रोड है जी, ना लाइटें हैं, ना पानी की व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ी है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आगे के किस उम्मीद पे आप वोट करेंगे? मैं तो कांग्रेस को वोट करूंगा, कांग्रेस की जो अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं हैं मैं उससे उनसे बहुत प्रभावित हूं और पूरी जनता भी सब प्रभावित है। कुल मिला के ये कहते हैं कि आप विकास के मुद्दे पे आगे वोट करना चाहेंगे? हाँ, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, न कि धार्मिक की बात पे वो करेंगे या धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे या धर्म में राजनीति लाएंगे, ऐसा कोई जो कैंडिडेट होगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। कुंभलगढ़ पे, यहाँ पर कुंभलगढ़ में काफ़ी दूर दूर से देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ की रोड की हालात आप देख रहे हैं, हमने भी आके देखा, तो इसको क्या आगे आपने अपने विधायक को अवगत नहीं कराया? विधायक साहब को हजारों बार अवगत करा चुके हैं कि पर्यटक आ रहे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है, पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और कंटिन्यू वो दो बार विधायक रह चुके हैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पर कभी कोई ध्यान नहीं देते जनता के प्रति। जब इलेक्शन आता है तो वो दो महीने में जब लास्ट पीरियड होता है उस समय आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके वादाएं करके चले जाते हैं। बिल्कुल, अभी इस समय इस गाड़ी के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर क्या समस्याएँ फेस कर रहे हैं, आगे किस उम्मीद पर आप आगे वोट करेंगे जी? सर ये हमारे रोड की जो भी समस्या है, रोड वगैरह ये जी बहुत भारी समस्या है, पर्यटक स्थल भी है, जो भी है सब व्यवस्थित होना चाहिए, बोलो उस पर वोटिंग करेंगे हम, कोई ऐसा कोई यूनिक भाई अपने हिसाब से बस। एक ये रोडों का समस्या तो ये सुनने में आ रहा है लंबे समय से खराब है, क्या इसको अवगत नहीं करा रहे आप लोग किसी? अवगत कराया मगर हो ही नहीं रहा है ना। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कुंभलगढ़ विधानसभा के अंदर, कुंभलगढ़ के बाजार में, जहां पर लोगों से कुंभलगढ़ विधानसभा के सियासी मिजाज जानेंगे और अब तक वह क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, आगे किस उम्मीद पर वह वोट करेंगे। सर अभी आपको कुंभलगढ़ में क्या समस्याएं आ रही हैं और आगे किस उम्मीद पर आप वोट करेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं अपने नेता से? उम्मीद तो क्या गहलोत सरकार से, कांग्रेस गवर्नमेंट से काफी उम्मीदें थी तो उस पे खरी नहीं उतरी है। एक्चुअल में जो सुविधा, मूलभूत सुविधा होनी चाहिए कुंभलगढ़ के अंदर, टूरिस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड लेवल पे आज फेमस है कुंभलगढ़, तो जो आम पब्लिक जो परेशान होती है, रोड ले लो आप और अदर ले लो आप, पानी वगैरह की समस्या से, इन समस्याओं से सबसे तो लोग त्रस्त है, मतलब पब्लिक परेशान है। यहाँ की लोकल समस्या महंगाई का ले लो आप, हर चीज़ में लोग परेशान है काफ़ी है कुल मिला के। अभी यहाँ की जैसे विकास का बात करें तो इस क्या विकास हुआ है? विकास तो आप देख रहे हो ना, क्या विकास हो रहा है, इतना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, राजस्थान का नंबर वन टूरिस्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं कुंभलगढ़ को, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में अपन इसको बोल सकते हैं। बाकी देख लीजिए ना आप कैमरा घुमा के आसपास में देख लीजिए, क्या व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। विकास रोड
काफी पर्यटक आते हैं, रोड से भी काफी परेशान है। रोड के बारे में कैसी रोड है? पर्यटक भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, एमएलए एमपी भी आते हैं, बाकी विकास तो कुछ भी नहीं है ना। रोड देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं। यहाँ से क्रॉस करने के बाद में जाइए आप, गड्ढे पड़े हुए रोड पे। हाँ, एक से एक वीआईपी भी आते हैं, इसी रोड से निकलते हैं, इसी रोड से जाते हैं। बाहर का टूरिस्ट आता है तो देखता है कि राजस्थान की ये कंडीशन हो रही है अभी गहलोत सरकार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे आप आगे वोट करेंगे? कुछ महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। बाकी वही है कि विकास के साथ में वोट जाता है जनता का, चाहे कांग्रेस ही हो चाहे बीजेपी हो, विकास के साथ में ही वोट जाता है सर। तो ये थे, ये कह रहे हैं कि विकास के नाम से ही वोट जाता है। तो और भी अभी यहाँ लोग बाग हैं और खुद सब्जी जो यहाँ विक्रेता है उनसे भी पूछेंगे। सर, अभी इस विधानसभा में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? समस्या यही है, आप बताएं। रोड की समस्या, महंगाई की समस्या है जी। लोगों को समस्या यही है, इधर के लोग क्या पैसे वाले तो है नहीं, महंगाई ज्यादा बढ़ी हुई है, उससे समस्या यही है। किस मुद्दे पे आगे वोट करेंगे और आगे आपकी क्या उम्मीद है? बस यही है कि ये रोड ने जो विकास करेगा उस मुद्दे पे लोग आगे काम करेंगे, बस वोटिंग उसी पे करेंगे। तो ये सब यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जो विकास का ज़्यादा प्रभाव करेगा उस मुद्दे को अपना मुद्दा बना रहे हैं, उसी पे वोट आगे करेंगे। लोग बाग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। अभी इस वक्त राजनीति के एक अहम युवा भी एक कड़ी होती है, युवा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या विधानसभा के अंदर अब तक क्या समस्याएं फेस कर चुके हैं और आगे क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहाँ से भी आए हैं, आप भले उदयपुर से आए, राजसमंद से आए हैं, रोडे आपने देख ली होंगी, रोडे कितनी है। विधायक साहब 10 साल से हमारे सुरेंद्र सिंह जी साहब विधायक हैं जी। और अगर उनको अपन कुछ भी कहें कि भाई आप सर ये रोडे हैं, वो कहते थे सरकार हमारी नहीं है। मैं आपको एक सक्रियता की बात करूं, आदरणीय विधायक साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं बुरा ही नहीं करना चाहता, लेकिन विधायक साहब कहीं पे भी नजर नहीं आए, पूरी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। इसका मैं एक सबूत भी देना चाहूंगा कि उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो जिसमें वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप उसको खंगाल लें, पिछले 4 साल में कितनी पोस्ट आई है और जनवरी महीने से आप कितनी पोस्ट आई है, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि विधायक साहब कितने एक्टिव अब हुए हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की सुनवाई कर रहे हैं। और मैं एज ए युवा ये चाहता हूँ कि योगेंद्र सिंह जी परमार यहाँ से लड़े। और जिन नेताजी का आप नाम ले रहे हो, उनके पिता भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, क्या उस समय रोडे नहीं बनी क्या? सर, वो पिछले 10 साल से कोई कांग्रेस के किसी जो एक निर्दलीय खड़ा होने की वजह से 2 चुनाव हार गए हैं, 10 साल से वो राजनीति में एक्टिव है। और मैं कहना चाहूंगा कि अब मोदी के नाम से जनता भ्रमित नहीं होगी, जनता अब सोच समझ के कैंडिडेट देख के अपना मत देगी। आप जो कह रहे हो रोड की बात, गणेश सिंह जी परमार के टाइम पे मैं बताता हूँ आपको, रोड गिनाता हूँ, ये जो गामडी नाल वाली जो रोड बनी है, जो पहले गामडी की नाल तक ही जाती थी, वो कनुजा वाली लिंक रोड उस समय गणेश सिंह जी परमार के 5 साल के कार्यकाल में बनी, कॉलेज गणेश सिंह जी परमार के कार्यकाल में बना। चारुजा मेरे पास है, ये झूठ करते हैं। अरे भैया, आप देख लेना, मैं बताऊंगा आपको सही से। चारुजा तहसील किला कॉलेज का शिलान्यास 2018 में वसुंधरा जी के आदेश में हुआ, शिलान्यास का पत्थर मेरे पास लगा हुआ है। ये झूठ बोलने का काम ये कांग्रेसी लोग करते हैं चौराहे पर। चारुजा तहसील कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बनी है, चारुजा सीएससी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बनी है, अभी 33 केवी जीएसएस के 6 सब सेंटर बने हैं जो उद्घाटन होने बाकी है, कॉलेज की बिल्डिंग। मुद्दा क्या रहेगा आगे, कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, आगे आपका किस मुद्दे पे वोट करेंगे?